Hello friends, my name is Musa Jappar and I'm going to be teaching you mathematics for class 9. Previous lecture में हम लोगों ने जो exercise 1.3 थी उसके चार question तक हमने जो थे questions कर लिए थे और आज इस lecture में हम लोग करने जा रहे हैं question number 5. तो यहाँ पर हमने question number 5 में करनी है verification. और verification क्या करनी है, हमारे पास जो first, second and third जो parts हैं वो same है, same type के, लिहाजा हम यहाँ पर जो पार्ट हमारे पास सेकंड है अभी हम वो ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पार्ट सेकंड है तो हम उसको ले लेते हैं. हमने वेरीफाई करना है कि हमें ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है. अब हमने ये वेरीफाई करना है कि जब आप ए और बी को प्लस करें आप वो इक्वल होना चाहिए है बी प्लस ए के. तो अब इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, हम सबसे पहले काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट ए प्लस बी. ठीक है ना, अब हमने इसको कंप्लीट करना है ए प्लस बी को. तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमारे पास ए ये है, बी ये है. अब हमने इनकी जो है एडिशन करनी है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 -1 and 0. ये हमने ए के मैट्रिक्स, ए की सीट पे जितनी भी उसकी एंट्रीज थी वो सारी यहाँ पे जो है डाली है. अब फिर अब आगे चलते हैं, हमने प्लस करना है इसको विद द बी मैट्रिक्स, यानी कि जो बी की यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज है उनके साथ हमने इनको प्लस कर देना है. तो यहाँ पे वन और जितनी भी एंट्रीज है हमारे पास वो हम सारी जो है यहाँ पर डाल देंगे. ठीक है, ये हो गया क्लोज जी. तो ये हमारे पास आ चुका है वो मैट्रिक्स. अब हम इनको ऐड करेंगे, एक सिंगल एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें जो हम लोग इनकी ऐड करेंगे. यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल्स इक्वल्स टू लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना. लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे हमने हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है यहाँ की, हमने इसको इसकी फर्स्ट एंट्री से प्लस कर देना. ठीक है, हमारे पास जो साइन यहाँ पे हमने इसको उसके साथ कर देना. ठीक है, 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एंट्री को, सेकेंड उसकी सेकेंड एंट्री के साथ गैप के साथ 2 + 2 - 1. थर्ड एंट्री को उसकी थर्ड एंट्री के साथ 3 + 1 हो गया. और यहाँ की फोर्थ एंट्री को उसकी फोर्थ एंट्री के साथ हमारे पास 2 + 2. फिफ्थ को फिफ्थ के साथ 3 + (-2). और उसकी जो है हमारे पास सिक्स्थ को उसकी सिक्स्थ के साथ 1 + 2. एंड सेवन्थ को सेवन्थ हमारे पास है 1 + 3. एट्थ को हमने उसकी जो एट्थ है एंट्री उसके साथ प्लस कर देना है ये ऐसे. और उसकी जो नाइन्थ है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको नाइन्थ एंट्री जो सेकंड मैट्रिक्स की उसके साथ प्लस कर देना है. 0 + 3 आ जाएगा हमारे पास. तो ये वो मैट्रिक्स बन चुके हैं हमारे पास वह वाला एक सिंगल मैट्रिक्स, जिसमें अभी हम इसका प्लस करके इनके आंसर निकालेंगे. हमारे पास 1 + 1 आ जाता है 2. और 2 + (-) हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लिहाजा यहाँ पे माइनस होगा. 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1. 3 + 1 = 4. 2 + 2 = 4. एंड (+)-(-). तो 3 - 2 = 1. 1 + 2 = 3. एंड 3 + 1 = 4. प्लस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा. एंड 0 + 3 = 3. हेंस हमारे पास जो ए प्लस बी है वो हमारे पास ये निकल आए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास निकल आई है. अब हम लोग जो है इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो क्या था, ताकि हम जब इसको इक्वल कर रहे हों तो फिर हमें पता चल जाए. 4, 0 and 3. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी थी, अब हम राइट हैंड साइड जो है हमारी उसकी तरफ चलते हैं. तो हमारे पास अब है आ चुकी है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है कि b + a. पहले हमने a प्लस बी किया और अब हम b प्लस ए करेंगे. b प्लस ए मीन्स कि हमने जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है वो सबसे स्टार्ट में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी का मैट्रिक्स
minus 1, 1, 2, minus 2, 2, 3, 1, and 3. मेरे पास B का मैट्रिक्स आ गया, हमने एडिशन करनी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास A की जो एंट्रीज हैं वो लिखेंगे 1, 2, 3, 2, 3, 1, and then we have 1, minus 1, and 0. ठीक है, अब हम इसका भी जो एक सिंगल मैट्रिक्स होता है प्लस करने के लिए वो बना लेंगे. इसकी फर्स्ट एंट्री जो है इसके साथ हो जाएगी 1 प्लस 1, सेकेंड एंट्री के साथ माइनस 1 प्लस 2, इसके थर्ड विद दिस थर्ड 1 प्लस 3, फोर्थ विद दिस फोर्थ 2 प्लस 2, माइनस 2 जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ एंट्री है उसको इस फिफ्थ एंट्री के साथ करेंगे, माइनस 2 प्लस 3, इसको सिक्स्थ को सिक्स्थ के साथ करेंगे 2 प्लस 1, और 3 जो हमारे पास यहाँ पे है सेवन्थ एंट्री उसको सेवन्थ के साथ करेंगे, तो 3 प्लस 1, एट्थ को एट्थ के साथ 1 प्लस इनटू माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास जी. इसकी जो नाइन्थ है हमारे पास उसको इसकी नाइन्थ के साथ करेंगे 3 प्लस 0. ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है. अब हमने जो है इसको ऐड करके जो हमारे पास आंसर आता है वो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है. 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आता है, और ये जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1. ठीक है, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो इसलिए हमारे पास 1 आ चुका है. यहाँ पे 1 आ जाता है, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आ जाता है, ये 2 प्लस 2 भी हमारे पास 4 आ जाता है, और इसका आंसर जो है हमारे पास बिगर साइन है, इसलिए बिगर साइन के साथ हमारे पास पॉजिटिव का साइन एड प्लस का साइन है, तो एज ए रिजल्ट जो आंसर है इसका वो 1 आ जाता है, और साइन ऑफ द बिगर नंबर है प्लस, तो इसलिए ऐसे रह देंगे. 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाता है, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 आ जाता है, और ये कैंसिल होकर 0 आ जाता है, और 3 प्लस 0 हमारे पास 3 आ जाता है. अब यहाँ देखें तो हमारे पास था ये वाला, ये जो हमारे पास a प्लस बी था वो इसके इक्वल्स था, और अब हमारे पास जो b प्लस a है वो इसके इक्वल्स है. देखिए हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं, ये 2 यहाँ पर है, 1, 4, जितनी भी एंट्रीज हमारे पास हैं, 4 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 403 भी है, ये जितनी भी एंट्रीज हमारे पास हैं, दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर सेम. हेंस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी है इट इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये वेरीफाई हो चुका है. और ये भी लिख सकते हैं दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड. ठीक है, दिस वॉज द पार्ट टू. सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन. अब बाकी जो आगे सवाल है वो भी एक सेम ही है, एक टाइप के सेम ही है. उनमें से मैंने जो हमारे पास पार्ट फाइव है वो लिया है. इसमें हमें ए बी सी तीनों मैट्रिक्स है वो गिवन है, और हमने इस बात को वेरीफाई करना है कि सी माइनस बी जो इनटू में है और वो प्लस ए है, और वो इक्वल होना चाहिए सी प्लस और सी प्लस इनटू ए माइनस बी, ये इसके इक्वल होना चाहिए. और अब हमने इसको इस पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है. सबसे पहले सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c माइनस बी ब्रैकेट्स में है एंड इट शुड बी प्लस विद a, तो ये हमारे पास आ चुका है. ये सेम हमें पता था जहां ब्रैकेट्स होती है सबसे पहले हम ब्रैकेट्स करते हैं. फिलहाल जो अभी जितनी भी उनके सेट्स की जो एंट्रीज हैं वो अभी हम सबसे पहले जो है उनको उनकी सीट्स पर बिठा देते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा बड़ी सी ब्रैकेट एंड सी हमारे पास जो है उसकी एंट्रीज है वो सारी लिख लेंगे. ये हमारी सी की एंट्रीज हो गई है, उसको हमने माइनस करना है विद बीज की जो एंट्रीज है हमारे पास, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, एंड 3 1 3, ब्रैकेट्स क्लोज्ड. एंड हमने जो है जितना भी है उसको प्लस कर देना है विद ए, 1 2 3 2 3 1 एंड 1 माइनस 1 0. तो ये हमने लिख लिया जितनी भी उनकी सेट्स थे, उनकी जितनी भी सीट्स थी, उनपे जितनी भी एंट्रीज है वो हमने बिठा दिए.
अब हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हमें पता है कि जब भी हमारे पास कहीं पे भी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आती है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में ब्रैकेट है, जरूरी हमें बेशक अगर किसी क्वेश्चन के एंड में भी ब्रैकेट्स हो तो एंड वाला सबसे पहले सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास शुरू में ब्रैकेट्स हैं, तो लिहाजा हम इस वाले पार्ट को जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे इसका जो मैट्रिक्स है सिंगल, माइनस 16 है, तो इनके दरमियान का जो रिलेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का, माइनस 1। एंड ये हमारी फर्स्ट एंट्री इसके साथ हो चुकी है, 0 माइनस इनटू माइनस 1 होगा सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री के साथ होगी 0 माइनस 1 एंड देन 0 माइनस 2 होगा हमारे साथ, एंड जो हमारे पास है माइनस 2 माइनस टू माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास ये एंट्रीज आपस में माइनस हो रही है, और ये जो हमारे पास सिक्स एंट्री है वो होगी माइनस साथ माइनस होगी 2 के साथ। ठीक है, 1 विद हमारे पास 1 होगा माइनस 3 एंड देन 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, ये जितनी भी एंट्रीज हमने इनको इनकी जो दूसरे मैट्रिक्स में एंट्रीज है उनके साथ हमने जो इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ए को क्योंकि हम नहीं छेड़ रहे, लिहाजा ए जो है हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही चलता जाएगा। ओके, अभी हमने ए को कुछ नहीं करना, अब हमने करना है इनको सब्ट्रैक्ट। यहां पे हम आंसर लिख लेते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट के हमारे पास आंसर आते हैं ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस का साइन है लिहाजा ये 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है लिहाजा हमारे पास प्लस का साइन, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 इंटू माइनस 1 हमारे पास जो है माइनस 1 ही रहेगा, 0 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 रहेगा, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है तो हमारे पास माइनस 2 इंटू प्लस 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा लिहाजा 0 आ जाएगा, माइनस 2 एंड प्लस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 3 हमारे पास जो है माइनस 2 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर, जो फिर अभी हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका आंसर ये आएगा, और ये हमारे पास प्लस हो रहा है हमारे जो यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स था 1 2। ये इसके साथ हमारे पास प्लस हो रहा है। अब हमारे पास आंसर तो निकला है, हमारे पास जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट था उसका आंसर निकला है, इस पार्ट का हमारे पास आंसर निकल आया है, अब हमने जो इसका आंसर है उसको हमें प्लस कर देना है जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, तो उसका भी हम लोग एक सेट बना लेते हैं। माइनस टू प्लस का रिलेशन है दोनों के दरमियान, माइनस टू विल बी प्लस विद वन, वन प्लस टू ये हमारे पास इसके साथ हुए, वन प्लस टू हो गया माइनस वन इंटू थ्री हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू विद प्लस टू, 0 प्लस 3 1 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1, 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है एंड माइनस 1 विद 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, हमने इसका आंसर भी निकाल लें, साइन ऑफ द बिगर नंबर हमारे पास यहाँ पे माइनस आ चुका है, टू प्लस जो प्लस इनटू माइनस माइनस होता है लिहाजा माइनस वन हमारे पास आंसर आ जाता है, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे हमारे पास जो है साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस है लिहाजा थ्री, और जब हम माइनस करेंगे थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, और ये हमारे पास कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा हमारे पास,
ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 एंड प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 क्योंकि बड़ा है लिहाजा उसके उसके पास नेगेटिव का साइन है, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ गया और 2 प्लस माइनस 1 होगा हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाता है, 0 माइनस 1 होगा तो लिहाजा ये भी माइनस 1 आ जाएगा एंड माइनस 1 प्लस 0 ये भी हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। सो दिस इज द मैट्रिक्स, दिस जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका ये हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो हम लिख देते हैं दैट सी माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स जो है। अब हमने जो है बाद में जाके इसकी वेरिफिकेशन करनी है राइट हैंड साइड पे क्या ये इक्वल है या नहीं। सो लेट्स सी हमारे पास जो गिवन राइट हैंड साइड है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं आर एच एस। अब देखते हैं हमारे पास गिवन है कि सी प्लस ए माइनस बी ये गिवन है हमारे पास। अब क्योंकि ब्रैकेट्स एंड पे लिहाजा हम एंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एंट्रीज लगा देते हैं, हमारे पास है सी की एंट्रीज हमारे पास बन जाती हैं माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 एंड 3 then 1 1 2 ये हमारे पास सी वैसे आ गया। प्लस डालने के बाद टू के ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट डालेंगे एंड इट शुड बी ए माइनस बी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0 और इस रिलेशनशिप ऑफ सब्ट्रैक्शन लिहाजा माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास जो बी होगा वो हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 एंड 3 1 3। अब क्योंकि ब्रैकेट्स लास्ट में ब्रैकेट्स वाला पार्ट जो है हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, ये एज इट इज चलेगा, इसको अभी हमने नहीं छेड़ना। 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2 सो होगा इसको लाद सेट 1 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा एंड 3 माइनस इंटू माइनस 2 एंड 1 माइनस 2 ये तरह 3 माइनस 1 यहां लिख लेते हैं 1 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास एंड -1 -1 हो जाएगा एंड 0 माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया वो सेट। अब हमने इनको जो है माइनस सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास है -1 0 है, 0 है सी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा -2 3 1 1 2 ठीक है। सी हमारे पास जो सेट था वो हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस का रिलेशन है और अब जो आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे। लेट्स सी 1 माइनस 1 0 आ जाता है, माइनस इंटू माइनस लिहाजा ये प्लस हो गया तो 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 हमारे पास आ जाता है 2, 2 माइनस 2 ये हमारे पास कैंसिल होके 0, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 3 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 5, 1 माइनस 2 हमारे पास साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हमारे पास माइनस इससे बिगर साइन है माइनस आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 आ जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होता है लिहाजा माइनस ये भी -2 आ जाएगा हमारे पास और 0 माइनस 3 माइनस बिगर साइन और 3 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ चुका है इस सेट का ए माइनस बी का। अब हमने जो है सी को प्लस कर देना है ए माइनस बी के जो आंसर के साथ। सेट बना लेते हैं हम -1 प्लस 0 0 प्लस 3 0 प्लस 3
जीरो प्लस टू, जीरो प्लस हमारे पास है फाइव, सॉरी जीरो प्लस हमारे पास है जीरो एंड माइनस टू हमारे पास प्लस हो जाएगा फाइव के साथ, थ्री हमारे साथ प्लस हो जाएगा माइनस वन के साथ, एंड वन ओवर हेयर विल बी एडेड विद माइनस टू, ये दोबारा वन हमारे साथ प्लस हो जाएगा माइनस टू के साथ, एंड टू प्लस माइनस थ्री। अभी सेट बन चुके हैं हमारे पास, अब हमने इसका आंसर निकालना है एंड लेट्स सी क्या इक्वल होगा। हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमने वेरीफाई करना है, इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास ये जो आंसर बनेगा साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस वन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जीरो प्लस थ्री हमारे पास थ्री आ जाएगा, जीरो प्लस टू हमारे पास टू आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, प्लस का साइन हमारे पास है टू, माइनस फाइव हो जाएगा हमारे पास थ्री, प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा जो थ्री माइनस वन हमारे पास आ जाएगा टू, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस वन आंसर आ जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे माइनस वन आंसर आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस वन आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो था आंसर था ऑफ, जरा लिख देते हैं सी प्लस ए माइनस बी। अब ये इसका आंसर है। नाउ इफ यू सी हियर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं, जो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड थी और जो फिर हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी, सबकी एंट्रीज जो है हमारे पास यहाँ पर सेम है। हमारे पास जो थी यहाँ पे सी माइनस बी प्लस ए, ये हमारे पास दोनों साइड्स जो है सेम है, दे बोथ आर सेम। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी प्लस सॉरी जो हमारे पास थी सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, एंड वी कुड ऑल्सो से दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पार्ट फाइव। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का मैंने लिया है यहाँ पर पार्ट टू। अब मैं क्योंकि आप लोगों की नजर से देख रहा हूं तो आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट टू है वो आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ये इजी है। आप लोग जब इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास गिवन है यहाँ पर टू मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, हमें इसको सॉल्व करना है, टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। अब हमारी आसानी के लिए सबसे पहले जो है हम लोग इनका जो है ट्रांसपोज ले लेंगे। हमारे पास ए का भी ट्रांसपोज हमने लेना है और बी का भी ट्रांसपोज हमने लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज में क्या होता है, जब आप किसी की मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में या फिर उनकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वन एंड थ्री है, इसको हम लिख देंगे वन एंड थ्री लाइक दिस। यहाँ पे माइनस टू एंड फोर है, इसको हम लिख देंगे लाइक दिस। अब बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सेम एज इट इज, इसमें भी ऐसे करेंगे जीरो माइनस थ्री आ जाएगा एंड सेवन एंड एट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनके ट्रांसपोज। अभी हम लिख लेते हैं इक्वेशन हमारे पास, क्योंकि ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हमने ट्रांसपोज क्योंकि आसानी के लिए हमने किए थे तो ट्रांसपोज निकाल के हमने इसको सॉल्व करना है, टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है टू के साथ, यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो है वन थ्री माइनस टू एंड फोर, और ये माइनस हो रहा है विद थ्री जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है विद द ट्रांसपोज ऑफ बी सेवन एंड एट। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू को इस मैट्रिक्स के साथ, थ्री को इस मैट्रिक्स के साथ। हमें पता है जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरह की, तो ये जो हमारे पास ये टू है वो सारी एंट्रीज के साथ या कोई भी नंबर है वो सारी एंट्रीज के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। टू वन टू हमारे पास आ जाता है और टू थ्री सिक्स आ जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लिहाजा माइनस का सेवन, टू टू फोर एंड टू फोर एट हमारे पास आ जाता है। यहाँ माइनस है
थ्री जीरो से हमारे पास आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस इनटू माइनस इज माइनस, एंड थ्री थ्री इज नाइन, एंड थ्री सेवन इज 21, एंड थ्री इज 24, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने जो है यहाँ पर करनी है इनकी सब्ट्रैक्शन, इन दोनों मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने करनी इनकी सब्ट्रैक्शन, और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू साइन एंड देन सब्ट्रैक्ट करना, टू माइनस जीरो, यहाँ की जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है इसको इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ टू माइनस जीरो हो गया, इसकी सेकेंड एंट्री को इसकी सेकेंड एंट्री के साथ, एंड सिक्स माइनस इन टू माइनस नाइन, एंड देन वी हैव इसकी फोर्थ एंट्री को इसकी फोर्थ एंट्री के साथ हमारे पास है माइनस फोर माइनस 21, इसकी फोर्थ को जो हमारे पास है इसकी फोर्थ एंट्री के साथ, यहाँ पे एट हो गया हमारे पास, एंड दिस वुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय 24। तो यस गाइस, अब हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, टू माइनस जीरो हमारे पास टू आ जाता है, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होता है, लिहाजा ये हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो बिगर साइन है वो माइनस का है, लिहाजा माइनस जो है हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, और 25 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बिगर साइन माइनस का है, और यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा। हेंस दिस इज द आंसर ऑफ 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। So yes guys, you made it to the end of the video. Thanks for watching this video. Thanks for helping us. हम और अगर आपको फिर भी हमने कोशिश की कि आपको भरपूर समझाया जाए अच्छी तरह से, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आती then comment section में आप जरूर comment कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है अगली वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।